आप देख रहे हैं अपना समाचार। ग्लोरी मोहंता और घात में जैसे आप मेरे पोस्टर में मेरा इतना बड़ा फोटो देख ही रहे हैं, इसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है और बहुत ही प्यारा गाना है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादी में बजे। आगे बर्थडे पार्टी भी लिखी गई है दिनेश जी की, दिनेश जी आपके फिल्म के हीरो हैं। जी जी जी, जरा उन्हें अपने अंदाज में शुभकामनाएं दीजिए ब्रांड के माध्यम से। पहले तो मैंने उनको सुबह ही फ़ोन करके विश कर दिया है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर फॉर मी, ही इज़ लाइक अ फैमिली और मैं फैमिली मेम्बर की तरह ही देखती हूँ। बड़े हैं मुझसे, सीनियर हैं मुझसे, तो तभी मैं आपको विश करना चाहूँगी दिनेश जी, विश यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और भगवान करे आपका फिल्म सुपर डुपर हिट हो और भी फिल्म बनाए और हम जैसे गरीब आर्टिस्ट को आप लोग याद करें। वो बहुत अच्छा है। देखिए मुझे एक ही दिन का काम करने को मिलता है और उसमें एक दिन के हिसाब से मैंने उनसे मिली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, बहुत जेन्युइन इंसान है, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं आर्टिस्ट को, तो मैं बार बार उनके साथ काम करना चाहूँगी। थैंक यू। भाई पार्टी तो सदियों से पार्टी ही रही है, पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, बर्थडे है, मेरी शुभकामनाएं हैं दिनेश जी को, ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, खुश रखें। घात में मैं एज अ मेन विलन प्ले कर रहा हूँ। ये स्टोरी काफ़ी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता ही रहता है, बट मैं मेन विलन प्ले कर रहा हूँ। रिवेंज है ये फिल्म जो है, एक रिवेंज है और फुल इंटरटेनिंग फिल्म है, म्यूजिकल है, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है, मसाला पॉलिटिकल कैरेक्टर है, जो उसका एक बेटा भी होता है, प्रकाश जायसवाल ने किया है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आनंद जी ने बहुत अच्छा काम किया है, दिनेश जी का जो भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है और सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लोकेशन बहुत प्यारा है और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि दोस्तों इस सिनेमा को आप देखें, इंजॉय करें, अपना आशीर्वाद दें और सत्येंद्र सिंह जो हीरो हैं उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, सारे एक्टर अपने तरफ से प्रयास किए अच्छा करने के लिए और मुझे उम्मीद है ये फिल्म आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी भी। इट्स कॉल्ड फुल इंटरटेनिंग फिल्म, मसाला फिल्म। यस, आपकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो आपके दिल के करीब सेट में जो उसको जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी एक फिल्म आई है मेरी, सौगंध, दिनेश लाल यादव निरहुआ वो मेन हीरो हैं, मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ और जैसे कि आप थे उस समय, आपने इंटरव्यू लिया था, आपने देखा था, लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी चल रही है और भी कई फिल्में आ रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए। यार मैं सबसे पहले जो फिल्म है घात,
उसके बारे में बता दूं कि वो मेरे दोस्त हैं, बहुत जिगरी मेरे दोस्त हैं सत्येन सिंह, उनकी फिल्म है, वो इसमें हीरो हैं। और जो केसवानी साहब हैं उनका आज जन्मदिन है, तो मैं मेरी तरफ से मेरे दोस्त हैं, ये गुजरात के सुपरस्टार हैं आयुष जडेजा, ये आप इनको जानते होंगे, हम दोनों की तरफ से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसे आप पार्टियां करते रहो, धमाल करते रहो, फिल्में बनाते रहो और लोगों को फन करते रहो, बहुत सारी मुबारकबाद। केशव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो गात फिल्म आज अभी रिलीज़ होने वाली है भोजपुरी की, और उनके लिए शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी पार्टी रखी है, लेविश पार्टी रखी है, एंड थैंक यू सो फॉर कि मुझे इनवाइट किया गया है, थैंक यू सो मच। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो जन्मदिन रखा है बहुत बहुत मुबारक हो, और इतनी बड़ी लेविश पार्टी रखी है बाबा की तरफ से, बहुत बहुत सल्लू भाई की तरफ से एक बात। कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे, स्वयं से स्वागत करेंगे सबका। मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, और मैं आपके पीछे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक गाना हो जाए, हुण हुण दबंग 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 दबंग, हुण हुण दबंग दबंग। दोस्तों भाई ऐसा ही है, ये जन्मदिन है, ये फन का डे है, जब आदमी का जन्मदिन होता है तो बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, और हम लोग भी खुशियां मना रहे हैं। थैंक यू सो मच, सभी एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए, फुल पार्टी ऑन। थैंक यू, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और आज मौका मिला है इन्होंने भी। फिलहाल लोग आपको देखने के लिए आए हैं, इनके फिल्म का आज प्रमोशनल ट्रेलर है, और मैं इनके ट्रेलर को देखने के लिए आई हूँ, एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी ये ट्रेलर बहुत 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 पसंद आएगा। दिनेश जी का आज बर्थडे है, और एक हैंडसम हीरो की तरह वो भी। दिनेश जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 बधाई, और इनफैक्ट वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, और डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत बधाई, ना स्पेशली इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, आप कब नजर आने वाली है भोजपुरी बहुत जल्द? बहुत जल्द नजर आएंगी हमारी फिल्म में, ये हमारी प्रहार में है, और भी फिल्में हैं हमारी, दीवाना तेरा मर जाएगा साथ में नजर आने वाली, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हमारे बिहार से बिलोंग करती है। बड़ा अच्छा लगा प्रियंका जी आप आए, हमारे घात फिल्म का ट्रेलर लॉन्चिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप आई, और हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर के लिए भी आपने विश किया, तो दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और ये हमारी घात की पूरी टीम करती है आपको। या मुझे भी, मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी एंड घात की पूरी टीम को। थैंक यू। आप अपने बारे में 10 मिनट बता दीजिए। एक्चुअली मैं टीवी सीरियल्स ज़्यादा करती हूं, मेरे लास्ट टीवी शो DD1 का मैंने लीड किया था, जिसका नाम था बातें कुछ अनकही सी, उसके बाद फिर मैंने कलर्स में किया, महाकाली, सावधान, क्राइम पेट्रोल चलता रहता है, एंड रिसेंटली तेनाली राम मैंने कंप्लीट किया। सो जो भी मेरी भोजपुरी फिल्म होगी, आई होप से उनके साथ पहली फिल्म होगी वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं अपना समाचार।